बंदूक ही खराब है ये, और ये काम भी खराब है। मारना पीटने का काम भी वो काम है, अमन अमान सुकून और मोहब्बत इसको अपनाना चाहिए। मैं आज इसी मौजू पे आपसे बात करूँगा। बहुत नजरात शरीफ शो में हमारा आज का जो मौजू और गुफ्तगू होगा वो होगा कि रवैया क्या चीज़ है, और रवैये ख़राब होने से और रवैये अच्छे होने से क्या चीज़ें बनती हैं और क्या चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हम अपने ही मुल्क में जब अपने किसी चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, सिग्नल्स तोड़ देते हैं, साइन बोर्ड तोड़ देते हैं, हम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, हम सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा के फिर अगले दिन महकमों से कह रहे थे जी इशारे की बत्ती नहीं जल रही है, हमने ही तोड़ी होती है। तो हमें चाहिए कि वो चीज़ें ना तोड़ें जो हमारे इस्तेमाल की, लोगों ने मेहनतों से गाड़ियाँ ली हैं। और एहतजाज करने का ढंग होना चाहिए। सबसे बड़ा एहतजाज इस मुल्क में अगर है तो वो ये है कि यहाँ टैलेंट को वो मुकाम नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। ये टैलेंट उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इंजीनियर बन गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी यही है कि उनका टैलेंट सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोई ऐसे हैं जो अपने किसी पढ़ाई के किसी शोबे में चले गए हैं, वो बेचारे अपना इजहार नहीं कर पा रहे प्रॉपर। कुछ ऐसे हैं जो अदाकारी में चले गए, वहाँ उन उस टैलेंट को जगह नहीं मिल रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए कोई मुकाम नहीं है, उसके लिए कोई जॉब नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टेक्निकल उसमें हैं, उनको नहीं जगह मिल रही, उनको मुकाम नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा शिकायत आर्ट के शोबे में है, और वो भी मौसीकी में। मौसीकी में जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर मौसीकी को सीखा, वो उन्होंने एक वक्त दिया, उस वक्त को देने में उन्होंने बहुत साल लगाए, और उस साल से उन्होंने वो फन सीखा। और सीख के आए, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि हमने इतने साल लगा के इस काम को सीखा तो फ़ायदा, एक बग़ैर सीखा हुआ आदमी आया और अचानक वो हिट हो गया। और वो आदमी जो साल साल से इस काम को दिमाग में बना के लाया, वो कुछ हासिल नहीं कर सका, वो पीछे चला गया अपने सारे तजर्बे के साथ, अपनी तमाम मेहनत के साथ पिछली सफ़ों में। और जिसे कुछ नहीं आता, जिसने कुछ नहीं सीखा, वो सबसे अगली सफ़ों में। इसकी वजह गलत सफ़बंदी, इसकी वजह गलत मंसूबाबंदी है। क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिफाई करने का कोई रिवाज ही नहीं है कि कोई आदमी जो है उसकी अथेंटिक चीज़ क्या है। इसलिए इस मुल्क में क्लासिकल फ़न, इस मुल्क में क्लासिकल किस्म की एक्टिंग, इस मुल्क के अंदर गाने वाले सही गवैये घराने वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो उनको होना चाहिए था। आज मेरी पहली शख्सियत वही है, शिकायतों से वो भी भरे हुए हैं, उनका जहन भरा हुआ है, उनका भी एक रिएक्शन है, और उनका बैकग्राउंड क्या है ये हम उनसे गुफ्तगू में करेंगे। लेकिन उन्हें बुलाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से फौरन वापस आते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमान। वेलकम बैक खुवातीन हज़रात, हम वापस आ गए और हम शुरू कर गए अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज। हमारे यहाँ फनकारों को जो टैलेंटेड लोग हैं उनके टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठाया जाता। हमारे मुल्क में बना हुआ कपड़ा जापान चला जाता है और वहाँ से जापान का स्टैंप लग के जब आता है तो हाथों हाथ बिक जाता है। ये हमारी एक अजीब सी बात है। गाने वालों में पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं अल्लाह ने दी हैं वो बहुत कम मुल्कों को नसीब हुई। खातून हजरात, हमारी इस सदी में बेशुमार बड़े फ़नकार पैदा हुए हैं, उनमें से वो भी एक फ़नकार हैं, गाते हैं गज़ल गीत, हर किस्म की क्लासिकल नीम क्लासिकल हर किस्म की गायकी गाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं जहमत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगे जनाब फिरोज़ अख्तर साहब। मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं हमारे आज के शरीफ शो में। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आपको शरीफों के बीच में? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बारे में मैंने इनको बताया लेकिन जो मैंने बताया मैं चाहता हूं मैं इनको दिखाऊं भी। अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शोरील है फिरोज भाई की ज़रा वो चलाएं प्लाज्मा पे,
तो हम भी देखें, सब देखें और फिर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, फिर आपके बारे में बताया जाए तफसील से। तो ज़रा प्लीज़ ज़रा दिखाएं भाई। लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेश खन्ना, नौशाद म्यूजिक डायरेक्टर, मोहम्मद रफी, राजेंद्र कुमार, गुलाम अली, हेमंत कुमार, जॉनी वॉकर, कमाल अमरोही, पृथ्वीराज, राज कपूर के अब्बा, शंकर जय किशन, नौशाद साहब। ये एशिया के, बरसगीर एशिया के, ये वो लोग थे जिनके साथ आपने, यानी लता जी हाँ, उनके साथ आपने, उन्होंने सुना आपको? जी हाँ, बहुत नेगोशिएशन रहती थी, सुनती थी और बहुत अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी था और वहाँ एक यूनियन बनी हुई थी, तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते थे वहाँ। बहरहाल वो बस ऐसी बैठ के गैदरिंग्स में मन्ना डे हुए या रफ़ी साहब हुए या तलत महमूद हुए या नौशाद साहब हुए या भारत भूषण हुए, इनके साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट था मेरा। मोहम्मद रफ़ी, हाँ जी, लता जी ने आपको सुना? जी हाँ। क्या बोली वो? धीरे से बोलती है बहुत। कहने लगे आप यहाँ क्यों नहीं हैं? आप यहाँ क्यों नहीं हैं? पाकिस्तान की इसका मतलब वहाँ आपको ढूंढती थी वो? नहीं, ढूंढती नहीं थी, बल्कि एक ज़माने में गौर से तो देखा होगा उन्होंने आप। हाँ जी, गौर से क्या देखा, बस वो दीदी दीदी हम तो कहते थे। आप दीदी कह दिए सीधे? हाँ। ये तो आपने बहुत बड़ा एक नुकसान नहीं किया? नहीं, नुकसान तो किया, लेकिन जाहिर है रिस्पेक्टेबल तो यही लफ्ज है। दीदी कह दिया? दीदी कहते थे। उनकी बहनें आशा जी और उनका भाई। आशा जी को तो दीदी नहीं कहा? नहीं, उनको नहीं कहा, लेकिन उनको मतलब आप। अच्छा, ये हमेशा होता है घर में दो बहनें हो ना, एक को आदमी बहन कहता है, दूसरी को नहीं कहता। नहीं, ये पता नहीं क्या, जैसे ये दुनिया का उसूल है, दो बहनें हैं तो फिर एक को बंदा बहन बना लेता है और दूसरी को नहीं बनाता, उसको जरिया बनाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब? नहीं, उसके बाद फिर ये राहुल बर्मन, ये फिर उनसे नहीं। आप मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी? आप रफ़ी साहब तो बिल्कुल भाई, नौशाद साहब के पास आते थे, भाई साहब के हमारे आते थे, तो वो तो खाना पीना। आपका एक्चुअली हिंदुस्तान में ये लिंक किसके जरिए बना? शकील बदायूं, मेरे कजिन, फर्स्ट कजिन ब्रदर, बहुत बड़े शायर। जी हाँ, वो शकील बदायूं, उनके फिल्मों के नाम अगर मैं कहूँ तो पहली उनकी फिल्म थी दर्द, अफसाने रही हूँ दिले बेकरार, वहाँ से शुरू हुआ। जी हाँ, दुलारी दास्ताना, नौकिया दा, भेजो बावरा, गंगा जमुना, उड़न खटोला, मुगले आजम, आजम में भी उनके गाने हैं। जी हाँ, शकील बदायूं। ये किसे लिखा? जब प्यार किया तो डरना क्या? भाई साहब ने लिखा। भाई साहब ने? भाई साहब ने बिजू बाबरा में तो भजन लिखा, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, भजन तक लिख। भाई साहब मुसलमान? हाँ, जाहिर है भाई साहब मुसलमान के लिए। नहीं, मतलब कहने का ये भाई, जाहिर है कि हिंदुस्तान में रह के उनको भी तो खुश करना है ना, उनके तो। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो गाना उन्होंने लिखा था जब क्या प्यार किया तो डरना क्या? सुना ये इस गाने के चलने के बाद, हिंदुस्तान से ये गाना सुनने के बाद ऑल इंडिया रेडियो पे बैन हो गया गाना, क्योंकि ये गाना सुन के औरतें घरों से भागना शुरू हो गई। ये सच है बात? ये तो रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म थी, लेकिन अब औरतों का नहीं। मैं नहीं, ये बात सच है क्या? नहीं, बिल्कुल सच है कि ऑल इंडिया रेडियो से इसमें कुछ थोड़ी सी वो आई थी, यानी मतलब ये कि औरतों में बगावत आई थी थोड़ी सी, कि ये जब प्यार किया तो डरना क्या? जी हां, वो तो बच्चे बच्चे छोड़ के घरों से निकल गई, जाहिर है। वो तो फिर मधुबाला की रवानी ये, मधुबाला ने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। वैसे उस वक्त मधुबाला के बहुत आशिक थे। हाँ, मधुबाला कैसी थी आपके? मैंने उनकी भी तस्वीरें इसमें भाई, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बड़ी यानी अपना, अपनी चाय भी अलग, कोई किसी के साथ पीना नहीं, और बल्कि अलग बिल्कुल खाना पीना। उनका शूटिंग के दरमियान भी वो बहुत एक्सक्लूसिव, बड़ी अजीब ही, मैंने तो कहता साइको है क्या है भाई, ये बात ही नहीं करती है ज़्यादा, बस किसी से बात नहीं करती थी। नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा घुलने मिलने, मतलब कम बात करती थी लेकिन काम की बात करती, काम की बात। लेकिन उनका मिलना जुलना ऐसे जैसे गप्पे शप्पे मारते ना लोग, टाइम पास करते हैं, इस तरह की नहीं थी वो। उनसे मेरी हर एक से बातें करती, उनसे मेरी कभी बात हुई तो मैंने कहा कहने की
आप शूटिंग के वक्त आते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, घर आए ना तो वहाँ वहाँ आदमी घरेलू बात करे कुछ भी। तो आप गए घर? एक मरतबा सिर्फ जाना हुआ। वो उनके घर मधुबाला जी, कैसी लग रही थी जिस दिन आप उनके घर? अरे भाई वो तो फिर आपको मालूम है कि वो तो बड़ी लेजेंड। मुझे क्या मालूम है, मैं कहाँ था आपके? मुझे क्या मालूम भाई, आपको तो ये मालूम है ना, फिल्मों से मालूम है। नहीं मतलब पूरा वाक्य बताया ना, आप उनके घर गए? घर गए तो वो दरवाजे पे आपको पहले तो उनके नौकर ने मना कर दिया कि बेगम साहब नहीं है। वहीं आपका दिल टूट गया होगा? नहीं नहीं दिल नहीं टूटा, फिर मैंने ये कहा, मैंने भाई उन्होंने मुझे बुलाया है तो अंदर गया। फिर जब उन्होंने कहा भाई पूछो कौन है, तो मैंने नाम बताया तो कहने लगे अच्छा वो शकील साहब के भाई आए, आने दो। जब मैं अंदर गया तो मुझसे कहने लगी कि भाई आप आधा घंटा लेट हैं आप, और मुझे तो अभी आधे घंटे के बाद तैयार होना है और मुझे शूटिंग पे जाना है अंधेरी। चली गई। आधा घंटा बस बैठना हुआ है, चाय पी। आधे घंटे में चाय पी सकते थे बस यही। आधे घंटे में आपने चाय पी? इंडियन इंडस्ट्री में बातें क्या हुई आधे घंटे में, चुप बैठे रहे? आधे घंटे में यही बात हुई, मैंने कहा आप कभी पाकिस्तान तो आए, आपके बड़े मद्दा है वहाँ पर, बड़े लोग लाइक करते हैं। तो कहने लगी कि भाई वो हमारी असल में जो इजाजत है गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं है कि हम वहाँ जाए। देखने में कैसी थी? इतनी हसीन थी जितनी वो फिल्म में आती थी, इससे ज्यादा। तो फिल्म में क्यों आती थी फिर? आती थी भाई ऐसे ही आ जाती घर में, इससे ज्यादा खूबसूरत थी। मतलब रियल लाइफ में बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। आंखें बहुत खूबसूरत थी उनकी, सब कुछ भाई। आप पूरी मुहूर्त खूबसूरत थी मेरे ख्याल में, तो मधुबाला खुद एक गजल थे। इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़ी हसीन औरत थी, बहुत हसीन औरत है ना। बाकी इंडस्ट्री में अब ऐसे नहीं आएगी, अब ऐसी औरत नहीं आएगी भाई। इसकी क्या वजह? आई हेमा मालिनी, पता नहीं कौन कौन आया लेकिन वो बात नहीं। हेमा मालिनी कौन कौन, क्या हेमा मालिनी आई, रेखा आई? हाँ बहुत आई लेकिन वो बात नहीं, वो बात नहीं। ये इसके बारे में क्या बोलेंगे, माधुरी दीक्षित? नहीं भाई करीब भी नहीं है वैसे। अगर आप देखें रेखा को, अगर आप देखें तो भाग जाएंगे भाई, अल्लाह माफी दे बस। वो फोटोजेनिक फेस है, छुपकली का रंग। मतलब रेखा को देख के भाग जाएंगे हम लोग? छुपकली का रंग। छुपकली का रंग? हाँ हल्का पीला होता है ना। पीला? अल्लाह की कसम। पीली क्यों है? तो दो बोतल खून चढ़वा लो। अरे नहीं भाई वो मुझे तो अट्रैक्ट नहीं किया भाई, मैं तो स्टूडियो में जब मिला तो वो जनाब रेखा से भी मिले आप? जी हाँ। अभी आप खुद ना मिले, मैं आपसे पूछता जाऊंगा ना, उस पे मिले आप। आप गजल गाते? अभी तो आप पहले मधुबाला जी का आपने बताया जी। घर गए एक दिन मुलाकात आधा घंटा ये जी, सब जी, हो गया जी। अब बताइए मुझे रेखा जी से मिले, कहाँ मुलाकात हुई? रेखा जी से मेरी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी, ये अपने जो पाकिजा बनाई थी ना उन्होंने, क्या नाम है, कमाल अमरवी साहब ने। हाँ हाँ। तो आग का दरिया फिल्म बन रही थी जो रिलीज नहीं हुई, जिसमें दिलीप कुमार और पद्मनी कोल्हापुरी और रेखा ये सब थे इसमें। तो उस शूटिंग में मुझे ताजदार कमाल ने कहा कि भाई आप सब चले आपको अपने स्टूडियो में और तुम्हें दिखाते हैं। वहीं दलीप साहब भी थे, सबसे मुलाकात मेरी हुई। तो रेखा को मैंने देखा तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मैंने कहा यार फोटो में तो तस्वीर में तो ऐसी आती है कि तोबा है, लेकिन भाई ये मैंने तो भैया वहीं टर्न डाउन कर दिया अपने आप को, बैठ गया मैं तो दरख्त के नीचे। मैंने कहा ठीक है भैया, दरख्त के नीचे बैठ गया। हाँ दरख्त था, छाँव में चले गए आप। हाँ कि अल्लाह वो ट्रॉली में चक्कर से आ गए होंगे आपको, ट्रॉली में वो शूटिंग थी, ट्रॉली में आ रहा है कोई। लेकिन आप ये बताए ना, आपको तो चक्कर आ गए रेखा को देख के, आपने रेखा से पूछा नहीं, मतलब क्या इतना अट्रैक्ट नहीं किया, इतने रिस्पांस नहीं, बस वो फोटो बाद लोगों का फोटोजेनिक बहुत होता है। सही बाद अच्छा, ये रेखा का हो गया मसला। हेमा मालिनी से मुलाकात हुई बहुत अच्छी तरह, आपको सुना? नहीं मुझे तो उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनके डांस बहुत देखे। तो क्या फायदा जब सुना ही नहीं? सुना नहीं, बस उनको किसी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा गाते हैं साहब को, किसी ने मना किया इनको? ईमानदारी की बात है, उन्होंने मुझे नहीं सुना लेकिन मैंने उनके डांस बहुत देखे। शी वाज अ वेरी गुड डांसर, नो डाउट। यस शी वाज, मतलब शी इज वेरी गुड डांसर, स्टिल शी इज वेरी गुड। नहीं जब वो डांस करती थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो नहीं करती हूँ। तो मैं भी डांस ही देखता रहा हूँ, तो मैंने कौन से उसकी तकरीरें सुनी। सूरज भाई ये मुलाकात हुई, अब आते हैं हम उस तरफ जो एक बड़े बहुत बड़ा फनकार, वो जो आपके साथ मैंने तस्वीरें देखी हैं उसमें, तस्वीरों में बड़ी बेतकल्लुफी है, दिलीप कुमार साहब। उनके घर तो आपके कैसे? उनके घर तो 3 साल रहा हूँ मैं। हैं 3 साल? किराएदार? किराएदार नहीं नहीं, उनकी बड़ी बहन ने बेटा बना रखा। उनकी एक बड़ी बहन थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी बड़ी बहन ने, सबसे बड़ी बहन, और उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने बेटा बना रखा था मुझे आपको। हाँ तो मैं वो ऐसा मुझे नहीं छोड़ते। इस तरह तो दिलीप साहब आपके मामू हुए, कुछ भी समझ लें आप। जब उनकी बहन ने बेटा बनाया तो आप उनको कहा करें यूसुफ मामू? नहीं नहीं, हमारा मिलना जुलना ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फैमिली मेंबर होता है, दोस्तों की तरह। हाँ दोस्तों। दिलीप साहब के घर में आप 3 साल रहे जी? हाँ।
कैसा पाया आपने उनको 3 सालों में? सादा आदमी है, गरूर तकब्बुर है, क्या है? इतने सादा तो लोग यहाँ पर मुझे कोई भी नजर नहीं आता जितने वो है। वो तो एक पनवाड़ी की दुकान में जाके फट्टे पे बैठ जाते थे रोजाना शाम में आधा एक घंटे के लिए, इतना सादा आदमी। और वहाँ पनवाड़ी ने एक आदमी रखा हुआ था कि ज्यादा भीड़ लगने ना तो उनको छांटो, क्योंकि जब बैठते तो मुसीबत पड़ जाती है। तो वो लेकिन वो बैठते थे, एक कहते थे भाई ये मेरी, मैं 15 साल से इसके पास आता हूँ और ये टिपाई पे बैठता हूँ आके। होता है मतलब ये उनका एक रख रखाव बता रहे हैं आप, कि इतने अच्छे आदमी थे कि जहाँ जाके बैठते रहे फिर भी वहाँ जाते थे। सादगी, एक इनकिसारी थी उनकी, इनकिसारी, खाने में सादगी, पहनने में सादगी। यार वो लोग वो कहने लगे कि दौलत और शोहरत को हजम करना मामूली आदमी का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और जो हजम करते हैं वो बहुत बड़े लोग। सही बात। ये जो दिलीप कुमार साहब की मोहब्बतें रही मधुबाला के साथ, ये असल में ये तो भाई स्कैंडल वो बनाते हैं वो लोग। आपको मालूम है, मैं एक नई बात बताता हूँ, जो घर के बावर्ची होते हैं ना खाना वाना पकाने वाले या खाना देने वाले, वो बाहर सहाफ़ी उनसे पूछते हैं कि आज बेगम साहब में इनमें लड़ाई तो नहीं हुई किसी चीज़ में, नहीं हुई, वो छाप देते थे ना कि ये हुआ, वो बताते थे घर की खबरें, सभी कहते थे कि ये मालूम कैसे। दिलीप कुमार साहब का और मधुबाला का तो बड़ा इश्क रहा है। वो उनके बाप ने पसंद नहीं किया ना मधुबाला की, कभी नहीं चाहा मधुबाला के अब्बा ने, इसलिए कि भाई उस वक्त वो टॉप पे थी, पैसा कौन छोड़ता, वो कहें गई तो पैसा हमारा गया, तो इसलिए। अच्छा ये तो हो गए दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के साथ आप बाहर भी गए होंगे बहुत दफा, गाड़ी में भी गए होंगे। ये दिलीप कुमार शुरू से फिरदौस जमाल की नकल करते हैं? अच्छा ये मेरा ख्याल है कि एक नई बात बता रहे हैं आप। या शाहरुख की नकल शुरू से करते हैं? नहीं, नहीं 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 नहीं, ये लोग करते हैं उनकी नकल, ये वो क्या करेंगे। ये शाहरुख खान की नकल नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, शाहरुख खान तो बहुत बाद में आया। तो ये सब एक जैसे क्यों है? अच्छा ये नदीम साहब दिलीप साहब की नकल करते हैं? हाँ ये चकोरी में जब आए हैं तो मेरे बड़े दोस्तों में से भाई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ये अच्छा है ना, ये भी एक है कि ऐसा शान साहब ने आपको सही रखा। नहीं नदीम साहब करते हैं कि नहीं करते हैं बताएं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी फिल्मों में नदीम ने यही किया है बेग साहब ने। मैंने कई दफ़ा कहा, मैंने कहा, कहने के भाई इसके अलावा चारा नहीं है, आप मुझे क्या बोले नदीम साहब, इसके अलावा चारा नहीं है, कोई मुझे और रहा बताओ, कोई रास्ता बताओ किसकी नकल करो। जैसे मेहदी साहब गाते हैं ना, दुनिया उनकी गजल गा रही है, अब कोई रास्ता गजल में नजर नहीं आता मेहदी साहब के अलावा, ईमानदारी की बात ही है। मतलब ऐसा कर दिया कि आप कोई किसी जगह ट्रैक चेंज नहीं कर सकते? ट्रैक चेंज नहीं कर सकते। अच्छा मधुबाला हो गई मिसाल का तरफ, मैं आपकी मिसाल दे देता हूँ, मुझे भी तो कहने दें, आप यकीन कीजिए कि दूसरा उमर शरीफ का सवाल नहीं पैदा होता, सवाल नहीं पैदा होता। ये हो सकता है कि आपको यानी फॉलो करें, मतलब ये क्या आप, आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी फिलासफी बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी शान ये है कि वो एक जैसे आदमी नहीं बनाते, और किसी भी दौर में एक जैसे आदमी नहीं होते, वो हर दौर का आदमी बनाते हैं। मैं फोटो सेट लेकिन ये कभी नहीं बोले कि जी मेरे जैसा नहीं हो सकता, अब जो वो बनाएगा ना मेरे जैसा नहीं बनाएगा, मुझसे बेहतर बनाएगा, क्योंकि वो उस चीज के ऊपर कादर है। ये अल्लाह की शान है करीम। लेकिन ये फोटो सेट का क्या किया जाए कि अगर कोई आपको फॉलो करता है तो इसमें, ये तो बहुत फॉलो करे यार, मुझे बहुत लोग करते हैं, मैं तो इस बात बुरा नहीं मानता। मैं जो बात कर रहा हूँ, आपकी मुलाकात हुई इनसे, हुई इनसे, हुई इनसे, उनसे हुई, और फिर आपकी मुलाकात हुई नौशाद साहब से। नौशाद साहब ने क्या क्या गाना बनाया, क्या बात है। आपको उनका कौन सा गाना पसंद है? उनका तो भाई यार छोड़ो ये मत करना कि यार उनका तो भाई फला ये भाई, अरे भाई गाना बताए कौन सा उनका गाना मुझे, मैं बताता हूँ, बिजू बावरा के सारे गाने मुझे पसंद। कौन सा सपोज? वो दुनिया के रखवाले। अच्छा ये तो मोहम्मद रफ़ी ने गाया था ना ये गाना, वो दुनिया के रखवाले। मोहम्मद रफ़ी साहब में क्या क्वालिटी थी, उनसे मिले आप? भाई वो तो ना पान खाए ना सिगरेट पिए, दुनिया का अजीब आदमी देखा के, अजीब क्या आदमी नहीं थे वो भाई। इसका मतलब ये कि इस लाइन के अंदर आदमी शराबे पीता है, इस लाइन के अंदर आदमी पता नहीं क्या कुछ करता है। मैंने तो भाई उनको इतना सादा और इतना, वो तो ये समझते थे जैसे ये जो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ दी है, जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये सब लोगों की अमानत है और लोगों के लिए है, मैं कुछ नहीं हूँ। वाह, प्रोड्यूस मुझसे होती है लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब लोगों के लिए है। वाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। लता जी का बताया आपने, आशा का बताया आपने, मोहम्मद रफ़ी साहब का बताया, मुकेश से मुलाकात हुई आप? मुकेश साहब से मुलाकात हुई, हाँ। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं कहूँगा कि वो भी बड़ा बहुत ही बीबा आदमी, बहुत सादा मिजाज इंसान थे, और नितिन मुकेश जो उनका बेटा था ना, हाँ, वो उसको ही देखा था, देखते थे हमेशा। राज कपूर आपके फोटो में बड़े बेतकल्लुफी के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। जी हाँ, वो असल में मैं आर के स्टूडियो जाता था ना, तो वहाँ मेरी नरगिस से इनसे मुलाकात सबसे ही होती थी, अख्तर हुसैन से, उनके भाई से नरगिस के। तो राज कपूर, आपको कोई सोच सकता राज कपूर इसकी पोतियाँ क्या करेंगी, वो कभी सोच सकते राज? नहीं खैर, हम तो ये नहीं सोच सकते, लेकिन वो, लेकिन ना पृथ्वीराज से लेके
और सारा ही परिवार उनका पूरा का पूरा इसी पे बेस करता है, क्योंकि राज कपूर साहब ने स्टूडियो में बनाया ना, वो यही बनाया कि मेरे आने वाली जितनी जनरेशन होगी ना वो इससे मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, अब ये बताएं कि आप इंडिया जो इतने लोगों में रहे, ये आप निजी महफिलों में परफॉर्मेंस के लिए जाते थे या किसी डेलीगेशन के साथ जाते थे? नहीं, मैं अकेला भाई साहब, मैं तो असल में अपने, मुझे शौक था म्यूज़िक का, हुआ मेरे ख़ानदान में तो किसी ने गाया नहीं, लेकिन मुझे आहिस्ता 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 ये शौक ऐसा बढ़ता चला गया कि तकरीबन दुनिया के कोई 15-16 मुल्कों में जाके परफॉर्म, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मेरे पास अवार्ड है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के, कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ पाकिस्तान के अवार्ड मुझे मिले हैं, और मैंने उर्दू की उर्दू लेकिन सात जबानों, माशाल्लाह माशाल्लाह सात जबानों में आपने गाया। लेकिन फिरोज भाई, मुझे एक अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है, मैंने आपकी इंट्रो में भी ये बात कही है कि क्या बात है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने, फिल्म ने, यहाँ के मीडिया ने आपको इतना क्यों इग्नोर किया? इतनी जो मैंने ये गुफ्तगू की है ये नादरीन के सामने कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप इंडिया में लता, रफ़ी, दिलीप सार, सार, और नशाद हाँ, और मुकेश और मधुबाला हाँ, और राज कपूर और इन लोगों के साथ आप रहे, काम करके आते थे। शकील बदायूनी आपके फर्स्ट कज़न हैं, आप इतने और आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, लेकिन आपके अपने मुल्क में आपकी ये पहचान क्यों नहीं बनी? बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं आप, और इसका जवाब मैं बड़ा अजीब दूंगा आपको। अजीब क्या, कोई सोफा खींच के मार देंगे? नहीं, इसका सवाल मैं आपको ऐसा दूंगा कि जो मैं समझता हूँ किसी ने आज तक नहीं दिया होगा। देखिए, बात दरअसल ये है कि आजकल तकरीबन कोई 30-40 मीडिया खुले हुए हैं, चैनल है ना, और 40 साल मैंने इस फन में लगाए हैं, राग रागनियों में और सीखने में, उस्तादों से सीखा, गजल को बैठ के गाया तो लोग, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कहते हैं कि भाई अब मेहंदी साहब का तो कोई सुनता नहीं है फिरोज साहब, अब गज़ल का जो गाने का तरीका है और जो उर्दू एक्सेंट जो इस्तेमाल है वो आप ही रह गए हैं, आप करें इसको। अब आप मुझे बताइए, जब लोग मुझे ये कहते हैं तो क्या मैं लोगों के दरवाज़ों पर यहाँ जाके कहूँ कि साहब मुझे आप पेश करें? बल्कि ये कि लोगों को आना चाहिए कि कम से कम हम आपको तो देखें, है ना, तो ये तो बैगिंग हो गई ना कि आदमी जाए किसी के, भाई मुझे आप ऐसा करें, किसी की चिट्ठी लगवा के जा रहे हैं, किसी की पर्ची लेके जा रहे हैं, साहब उनकी सिफारिश है भाई इनको किसी उसमें प्रोग्राम में ले लीजिए, तो मुझे काम आता है, जिस राग में बोले मैं उसमें गाता हूँ, जिस शायर की गज़ल बोले आज से, वली दखनी से लेकर कुतुबुल इशा से लेकर आज तक के शायर को मैंने नहीं छोड़ा, मैंने गाया साहिब किताब शायर को नहीं छोड़ा। तो जब उर्दू अदब में, और उर्दू क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान शायरों का है, तो मैं जब ये काम जानता हूँ तो मैं भीख क्यों मांगूँ? तो भीख क्यों मांगूँ, तो मैं सिफारिश क्यों करूँ, तो मैं लोगों से क्यों कहूँ कि मुझे काम दो, कि जब मुझे काम आता है, लोगों को पता है ये आदमी गाता है, दिलीप कुमार जैसे लेजेंड, मधुबाला जैसी हसीन औरत, नौशाद जैसा हसीन म्यूजिक डायरेक्टर जब उसे बैठ के सुनते हैं, तो फिर वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं सुना जा रहा, क्यों चैनल ने, क्यों टीवी ने, क्यों फिल्म ने उसे इग्नोर किया? इन सारे सवालों का जवाब हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक, हम वापस आ गए। हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट का क्या हशर हो जाता है अगर उसकी बैकिंग ना हो, उसको सपोर्ट ना हो और उसको कोई बंदा आगे लाने वाला ना हो। तो ऐसे पता नहीं कितने फिरोज़ अख्तर जो है ना वो ख़राब हो चुके होंगे। क्या वजह होती है कि ऐसे टैलेंटेड लोग अपना फ़न अपनी औलाद में मुंतकिल नहीं करते? उसकी डेफिनेटली वजह है कि ये एक रिएक्शन है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ तो मैं सोचता हूँ मैं अपने बच्चों को इस काम में क्यों झोंकूँ, क्यों इनका मुस्तकबिल तबाह करूँ। और यही वजह हुई कि इनके इनके नसीबों में ही शोहरत लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई तरीक़ाकार बदल जाए तो वो शोहरत बदल जाती है। इनके घर में शोहरत हमेशा रही है, इनके ज़रिए रही है, इज़्ज़त हमेशा इनके घर में रही है, इनके ज़रिए रही है, अल्लाह ने इनको नवाजा, इनके नाम दिए, मगर जो दूसरा बड़ा नाम इनके घर में पैदा हुआ वो इनसे भी इस अंदाज में आगे गया कि वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आया, ओलंपिक चैंपियन बना और पाकिस्तान के अंदर हॉकी में समीउल्लाह और इस्ला भाई और हनीफ खान उस दौर के अंदर उस पीरियड में वो लड़का आया और छा गया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, खौत नजरात इस्तकबाल कीजिए, फिरोज अख्तर भाई के साहबजादे हैं और पाकिस्तान की टीम का बहुत बड़ा नाम है हॉकी का, वसीम फिरोज।
वसीम, आप खुद एक शोहरत याफ्ता इंसान है, शोहरत आपने बचपन से देखी, वो चाहे अपने अपने अब्बू की शक्ल में देखी। आपके अब्बू के पास हमेशा बड़े लोग आते रहे, बड़े लोग इन्हें सुनते रहे, पाकिस्तान के बड़े बड़े वुजरा बड़ी बड़ी कैबिनेट में बड़े बड़े ममालिक में जाके गाते रहे, लोग सुनते रहे। वो शोहरत तो आपके लिए वो नई ही नहीं थी, लेकिन वो शोहरत जो आपने खुद अपना हासिल करी, क्या चीज़ ऐसी थी कि आप हॉकी की तरफ चले गए जबकि आप घर में हमेशा आपने गाना सुना? उमर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बचपन से ही मैंने घर के अंदर जो है वो वालिद साहब के गुलुका इनके नगमे और इनके गीत और इनकी गज़लें सुनी। कुछ ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह ताला की मेरा ख्याल है कुछ मर्ज़ी थी कि मुझे चेंज करना था और टर्न बैक दे के मुझे हॉकी की तरफ लेके आना था। घर के पास ही ग्राउंड था हॉकी का, तो वहाँ पे ये बड़े बड़े नाम हसन सरदार, इसमें तनवीर डार और कलीमुल्ला समीउल्ला आते थे, उनको देख के शौक पैदा हुआ। क्रिकेट भी खेलता था मैं। आपने 8 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी खेली जी, 8 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी आपने खेली और 335 मैच खेले आपने आज तक, ये आपका रिकॉर्ड है। ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में आपने कौन सा मैच खेला जो बड़ा यादगार रहा? फर्स्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान टीम में आया 1983 के अंदर, उस वक्त 16 इयर्स का था मैं। स्पीड क्या थी भागने की? स्पीड क्या थी भागने की? 16 साल की उम्र, स्पीड अच्छी काफी। 16 साल की उम्र में आदमी बहुत भागता है, मतलब स्टैमिना भी था स्पीड, मगर वो एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ भागना भागना था, एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज्यादा। एक्सपीरियंस तो खेलने किधर भागना है, किधर भागना ये नहीं पता, ये नहीं पता किधर भागना आता था, लेकिन भागना किधर, बॉल लेके रन करता था। एक बार मैं लाहौर में भागा था, जो मेरे साथ थे वो लोग याद करते हैं, यार बाबा क्या भागा था मैं, कसम से फायरिंग हुई मैं जो भागा हूँ, आप यकीन करें जो लोग मेरे साथ खड़े थे वो कहते जी हमने ऐसा भागता हुआ आदमी नहीं देखा। ज़िगज़ैग, और जब भी कभी गोली चले ना ज़िगज़ैग भागो, कभी भी सीधे नहीं भागना, स्ट्रेट। फिरोज भाई आपको भी बता रहा हूँ, उसमें भी कुछ ऐसे ही है, ज़िगज़ैग ही भागना पड़ता है, कभी कभी स्टेडी भागना पड़ता है, मगर ये होता है कि जब मुखालिफ टीम होती है तो उस पर अटैक करने के लिए आपको ज़िगज़ैग भागना पड़ता है। आपको मैंने देखा कि आपने गेंद आगे फेंकी और उसके बाद आप उसको जाकर के पकड़ते थे गेंद को। वो असल में एक ऐसा डेवलप हो गया था, समीउल्ला उनको देखता भी रहा था खेलते हुए कि भाई किस तरह से ये अपनी टेक्निक को यूज़ करते हैं एसोट्रफ के ऊपर, उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने उनको अपना आइडिया रखते हुए ये जो गेंद फेंक के भागते हैं वो मैंने उनसे सीखा था। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था, मगर मैं उनकी वीडियोज़ देख के और ये करने की कोशिश करता था, अल्लाह ताला ने मुझे उस पर गुर हासिल करवाया। तो उनकी टेक्निक में मेरी टेक्निक में थोड़ा फ़र्क था, मेरे पास ड्रिबलिंग विद द बॉल थी, उनके पास रनिंग विद द बॉल थी, मतलब वो फेंक के भागते थे। फिर वो भी मैंने उसको भी जो एडॉप्ट किया फौरन, यार ये भी लेके आऊँ मैं उसमें और गुड़ डालूँ इसके अंदर। तो उससे जो हमारे डच प्लेयर थे, जर्मन और जो हॉलैंड के जो प्लेयर थे, वो काफ़ी डरते थे कि भाई ये अब अटैक करेंगे तो इनका अटैक बड़ा खतरनाक। क्या टाइम था वो, गोल्डन टाइम था, और हॉकी की लगन भी बहुत ज़्यादा थी उमर भाई। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम सीखते हुए आए थे अपने सीनियर से, अब आजकल जो आप हॉकी देख रहे हैं इसमें कोई सीनियर नहीं है, सब बराबर हैं। इनमें सिखाने वाला जो हमारे स्टार्स थे, मेगा स्टार, क्योंकि मेडल्स भी ज़्यादा थे उस वक्त, अब मेडल्स जो हैं वो नहीं है। हॉकी के साथ जो ज्यादती है, मैं तो ये इस शो में बात ये करूँ कि ज्यादती क्या है कि उन प्लेयरों को, मुझे अफसोस होता है, मैं क्योंकि खुद हॉकी को पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पर, मैंने इस्लाहुद्दीन साहब से लेकर के समीउल्ला, अनीफ खान, कलीमुल्ला और हसन सरदार, ये सब मेरे पर्सनल भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं, मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। आप आए, आपको भी मैंने बहुत देखा है, जब आप स्पीडली भागते मेरा दिल इतना खुश, मैं मुझे पाकिस्तान के हर टैलेंट से प्यार है, आप बिलीव करें, मुझे ये अफसोस होता है कि हॉकी को वो पजीराई नहीं मिली। हॉकी को वो पजीराई नहीं मिली जो कि क्रिकेट को मिली है, ठीक है ना। हॉकी हमारा कौमी खेल है, अब देखें अगर ये पूरे हमारे पाकिस्तान के अंदर एस्ट्रोफ लगा दें, ठीक है ना, और क्योंकि खिलाड़ी तैयार करें ग्रास रूट लेवल से, ग्रास रूट तो जब भी तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज आप देख लें कि हॉकी जो है इतना महंगा खेल हो गया क्रिकेट के बनिस्बत, क्योंकि एसोट्रफ का शूज़ जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 2000 रुपये का, हॉकी मिलती है आपको 8000 रुपये की, ठीक है ना। गेंद आप लेते हैं 300 रुपये की, आप 10000 रुपये के अंदर गरीब बच्चा कहाँ से हॉकी खेलेगा, आप मुझे बताएं। कोई भी सूबा की सूबाई गवर्नमेंट जो है उसको एकेडमीज़ को बिल्डअप करे और फेडरेशन से उसकी एप्लीकेशन हो, तो मेरा ख्याल है हॉकी दोबारा जिंदा हो सकती है आने वाले वक्त में। आप देखें अभी आपको चाइना भी मार रही है, पाकिस्तान टीम को हरा रही है, जापान भी हरा रही है, ये बांग्लादेश और श्रीलंका भी पाकिस्तान टीम को हराएगी। बांग्लादेश का मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान से मैच हुआ, 17 गोल किए पाकिस्तान ने,
बांग्लादेश पे जी। तो बंगाली उनका कैप्टन रोने लगा, बोला भूत गोल हो गया है, सातरा गोल भूत हो गया है। हमारे को इस बात का गम नहीं है कि सातरा गोल हो गया है, गम इस बात का है कि एक गोल पब्लिक ने भी कर दिया है। उस वक्त हमारी पब्लिक इतना अच्छा खेलती थी, आज हम बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। बांग्लादेश की टीम अब उन्होंने भी बाहर से कोचेस मंगवा लिए हैं अपना, आने वाले वक्त में वो भी आप देखिएगा कि वो फाइट करेगी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की टीम जो है वहीं की वहीं खड़ी हुई है, आपस में ही इनकी खलीजें पूरी खत्म नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सियासत हो रही है। इन्हें सियासत जब तक रहेगी, जब तक हर चीज में हमारे यहाँ सियासत है। अगर आप किसी को घर बुला के खाना खिला देना इज्जत से, तो वो बाहर निकल के कहेगा देखा कैसे तेरे भाई ने सियासत से खाना खाया। हम लोगों ने अपने बहुत सारा टैलेंट जाया किया है सिर्फ और सिर्फ सियासतें और इन चीजों के अंदर आकर के। क्या कहते हैं, मैंने घर में मौसीकी भी देखी वालिद साहब की, जो इनके साथ हुआ वो तो सबको पता है कि हमेशा से लेट डाउन किया गया, सियासत की नज़र इनको भी किया गया, क्योंकि इनके पास जो भी राग हैं ठीक है ना, वो मेरा ख्याल है आजकल के जितने भी यंगस्टर हैं उनके पास नहीं होंगे। तो और जो इनके पास गुलुकारी है, जो इनके पास आपने देखा होगा कि इंडिया से जो ये लेके आए ठीक है ना, सीखा जो नौशाद साहब के साथ सीखा, वो मेरा ख्याल है एक हिस्ट्री है। नौशाद साहब तो मूसीकार आजम है जी, तो उनके साथ बैठ के सीखना कोई आसान काम तो नहीं है। ये किसी के पास भी ऐसी हिस्ट्री नहीं जो आपने दिखाई अभी, नहीं नहीं किसी के पास नहीं। और इनका ये हुआ कि इनके साथ ज्यादती हुई कि इनकी ज्यादती का सिला जो अल्लाह ताला ने ऐसा दिया कि मुझे पाकिस्तान का स्टार बना दिया। बस वो अल्लाह ने, मैंने कहा ना शोहरत आपके घर में लिखी हुई। और ये माँ की दुआएं, कुछ लोगों की दुआएं, कुछ नाजायज अगर करते हैं तो उसके अंधेरे अंधेरे नहीं है कहीं ना कहीं। आप इंडिया का वो मैच बताए ना जिसे पत्थर मारे थे लोगों ने, ये पत्थर की इंडिया में किस बात पे मारे हो? ये 90 में हम गए थे खेलने के लिए एशिया कप, तो वहाँ पे जब हम वो फाइनल इंडिया से जीते तो हमें सिक्योरिटी फराम नहीं करी गई, नहीं करी। उसके बाद हमें सिर्फ एक वहाँ पे एक पायलट दे दिया था जो कि आगे स्कूटर चला रहा था, और बस थी। बस में पहले तो क्राउड को हमने देखा कि भाई उससे पहले क्राउड ने हमें बड़ा मारा, ग्राउंड के अंदर पथराव हो गया, मैच रुक गया, फिर बीच में फिर मैच चला अपना, फिर ग्राउंड में पथराव हुआ, फिर मैच रुक गया। हम जीते बड़ी मुश्किल से मैच, जीत हम 3-1 से मैच जीत के बाहर जब आए तो इस्लाउद्दीन ने हमें कहा ड्रेसिंग रूम में आप थोड़ा इंतज़ार करें क्योंकि ये क्राउड जब तक नहीं जाएगा ये, क्योंकि इंतज़ार हमारा ही कर रहा है कि हम पे बस बरसेगा। तो हम रुक गए। उसके बाद जब ये लोग चले गए तो कुछ वेस्पा पे कुछ वहाँ पे लोग थे जो सरदार थे, उसमें कुछ ये ऐसे लोग थे कि जो कि जेलसी फील कर रहे थे बस ऐसे ही। वो हम जब बस में निकले तो साइड में फ्लैट्स थे, बस ड्राइवर ने जब गाड़ी चलाई तो आगे से जो था वो पुलिसमैन गायब हो गया। बीच पे सिग्नल पे जो बस रुकी तो सामने से पथराव हो गया, पथराव इतना खतरनाक हुआ कि इस्ला भाई के लगा, लड़कों के चोटें लगी, लड़के एसटी के लेके बाहर आ गए अपना। उसके बाद फिर ये हुआ कि ड्राइवर गायब हो गया, ड्राइवर को ढूंढने ड्राइवर कहाँ, बड़ी मुश्किल से कर करा के अल्लाह अल्लाह करके हम वहाँ पहुँचे। यार देखो श्रीलंका की टीम आई थी, हमारा ड्राइवर उन्हें बचा के ले गया था पाकिस्तान का, खुदाई के साथ। तो वो एक यादगारी बन गया हमारे साथ। वो तो असल में खेलते मारते थे, सरदार ने सर पे हॉकी मारी थी वसीम के, क्योंकि वो लेके जनाब ड्रिबलिंग करके पीच में मैच हम देखते थे, ऐसे निकला तो पीछे से जाके हॉकी भी कौन सी हॉकी आप पीछे से। उस जमाने में ये होता था कि आपको ब्लॉक करना है अच्छे प्लेयर को। हाँ वो तो मार करते थे, मार्किंग होती है, मायसेल्फ हो या कोई भी प्लेयर हो वो रोकते थे। मैंने जब 92 के अंदर वर्ल्ड कप खेला फुटबॉल का, और ब्राज़ील से हमारा मैच था, तो मेरे साथ हरकत करी पीले ने, ब्राज़ील का प्लेयर था, मैं गेंद लेके जा रहा था, वो गेंद लेके आ रहा था। बहुत बड़ा प्लेयर। झगड़ा इस बात पे हो गया कि दो गेंदों से क्यों खेल रही थी। तो उस पर फिर हमारे साथ मसला हो गया था। अच्छा। बहरहाल मेडिसन साहब के साथ भी आपने परफॉर्मेंसेस किए हैं बहुत, उनके साथ बहुत की, उनके साथ। वो आदमी क्या आदमी है आपसे? अरे वो तो दुनिया का एक ही आदमी है भाई, वर्ल्ड का एक आदमी, झूठ नहीं बोलो, हमारे रिश्ता नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मौसीकी में मेहदी हसन एक ही आदमी है, दूसरा मेहदी हसन नहीं, दूसरा उमर शरीफ नहीं, दूसरा मेहदी हसन नहीं, दूसरा दिलीप कुमार नहीं, एक कम कम लोग होते हैं, तीन ही आदमी बस नहीं, और बहुत से ऐसे एक एक हैं। दूसरा वसीम फिरोज नहीं है, नूरजहां नहीं, दूसरी नूरजहां नहीं, लता नहीं, दूसरी दूसरे फिरोज अख्तर नहीं। बस मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता सर, आप नहीं समझते, हम तो समझते हैं ना, आप समझे वो। ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्टार का वो लगा हुआ, काम बोलता है। वेलकम बैक, बहुत नुकरात, हम आ गए वापस, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम फिरोज और उनके वालिद
फिरोज अख्तर साहब। अच्छा एक बताएं फिरोज भाई, आपके सामने तो एकदम जमाना गुजरा है। बिल्कुल, इसमें क्या शक। कौन कौन लोग आपके सामने आए? सामने सिंगर, सिंगर और दूसरे आर्टिस्ट। मेरे सामने तो सलीम रजा साहब, मेहदी हसन साहब को तो मैंने इंट्रोड्यूस किया मुंबई में, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। मेहदी साहब, अगर मैं इसका किस्सा आपको बताऊं कि 50 रुपये इंडिया जाने में आपको मिलते थे, सिर्फ 50 रुपये ले जा सकते हैं आप, और 2800 रुपये बाहर आने का टिकट होता था पानी के जहाज का रिटर्न। पानी के जहाज से जाता था मैं, हवाई जहाज से 337 रुपये का टिकट था। महंगा था वो सोगा रिटर्न, हाँ वो बहुत महंगा था। 50 रुपये में आदमी बीवी कह रही है कि साड़ियाँ लाना और ये लाना, कहाँ से लाएं, और वहाँ पर हमारे कोई पूछगिछ नहीं, ये नहीं हो रही। मैंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन में मेहदी हसन साहब ने जितने भी गाने रिकॉर्ड कराए थे, ताज़ा हवा बाहर की और गुलों में रंग भरे, सारी रिकॉर्डिंग मैंने अशफाक से कह के सारी स्पूल बनवा ली है। लेके चले, तीन स्पूल ले गया मैं। सबसे पहले मन्ना डे को मैंने दिए तो 600 रुपये उन्होंने मुझे दिए उसके कॉपी के, 600 में वो बेच दिए, 600 रुपये दिए कॉपी करने के, बेचा ना आपने। हाँ, फिर मैं हरने दाद के पास गया, लता के भाई के पास। लता के भाई का क्या नाम है? उसका नाम है हरने दाद, हरना दास, हरना दास। तो वो जनाब, वो उसने कहा दीदी जरा सुने, अब वो सुना रहे कहने के ये कौन है भाई, कैसे हैं, क्या है वो जनाब। 500 रुपये उन्होंने दिए। अब लगा कहाँ 50 रुपये और कहाँ ये पैसे बढ़ते हैं। फिर जानी वॉकर को दिए, उन्होंने 500 रुपये दिए। मन्ना डे को दिए, उन्होंने 6-7, गलत 2-2500 रुपये हो गए भाई। दो सूट के साड़ी है, साड़ी भी कितने की, 25-25 रुपये की मिलती थी उस जमाने में, 20-25-30 साड़ी है खूब। किसके लिए लाए, मेहदी हसन साहब के लिए? नहीं नहीं, मेहदी हसन, मेहदी हसन, मेहदी हसन साहब को फिर लेटर लिखा मन्ना डे ने कि हम तो बाहर झोंकते रहे, गाना तो ये है जो आप गाते हैं, यकीन करना। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं, इसके अंडर एक लाइन है कि देखे मेहदी हसन की क्या वर्थ होगी इसमें। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेहदी साहब से जब मैं कहता हूँ, हंसते कह रहे भाई इसमें ही इंडिया वाले मुझे जानने लगे तुम्हारे स्कूल देने से। तकरीबन कोई 30-35 गजल ट्रांसक्रिप्शन की। और कौन-कौन लोग आपके सामने आए, थिएटर के, टीवी के लोग? सलीम रजा साहब आए, रहमत रुश्दी आए, मुजीब आलम आए, मुइन, अगर आप उनकी बात करते हैं, यानी मतलब जैसे मुइन अख्तर भाई की, हाँ मुइन अख्तर भाई की बात करते हैं, हमारे सीनियर हैं, आपके सीनियर हैं लेकिन मेरे बहुत जूनियर हैं। और क्योंकि भाई हमने तो उनको, हमारे तो महफिलों में कह रहे हैं मोइन अख्तर ही होता था, या फिर आगा सर, इससे पहले इनके उस्ताद जो आगा सरवर थे ना, मोइन भाई के उस्ताद कौन है? आगा सरवर, आगा सरवर साहब, हाँ, जो हैदराबाद दखन, वो लंदन चले गए थे, वो हमारे प्रोग्राम में उस जमाने मुजफ्फर निराला कराची का, रंगीला कराची वाला, रंगीला कराची, शराफत उनको, और जनाब ये इस्माइल तारा, और ये जो है ना तूफानी, तूफानी ये बात की बात है, बहुत है, बहुत की बात, काफी बात, इन लोगों के बात की बात। आप उनसे भी बहुत भाई, मैं तो डेबोरा डैनियल, अपना नाम सुनिए आप, एस बी जॉन, मधु इल्माज, डेबोरा डैनियल, निशी कुमारी, आपके पटलो सिस्टर, ये क्या प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम करते थे, म्यूजिक के प्रोग्राम यहाँ होते थे तोसी कर हाल में, और कैटलॉग हाल आपने देखा, कैटलॉग हाल कहाँ है, इतने लोग आपके सामने आए भाई। ये जो महफिलें होती है ना, निजी महफिलें जो स्टेज की या क्या नाम है कॉलेज की होती है, इसके बानी हम बैठे भाई, हम हमारे सामने शुरू हुई। बहुत बड़ा सिंगर जो था ना, वो 30-40 रुपये लेता था भाई, 40 रुपये तो मोइन साहब ने भी 15-15 रुपये लिए। क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ आपको क्या यार, उस जमाने में 25 रुपये तो हमें रेडियो पे, 15 रुपये रेडियो पे हमारे गाने के 3 गजलें गाई, तो 15-15 रुपये का जरा मिलता था रेडियो पाकिस्तान। इतने सस्ते जमाने से आज आप आटे का भाव देख रहे हैं क्या है यार, ना पता कयामत मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, ये कयामत, बिजली नहीं मिल रही, पूर्व कयामत, ये मालूम अफरा तफरी, आपके ख्याल में क्यामत कब तक आ जाएगी? अफरा तफरी नजदीक है, अफरा तफरी यही आसानी नजदीक होगी, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, कुर्बे क्यामत है, कितनी नजदीक होगी उसी हिसाब से सेटअप करना है। भाई आप कैसी बात करें, देखिए आपके पास गाड़ी है, मेरे पास आज है बाहर गाड़ी, तो आपको गाड़ी तक छोड़ने आएंगे, और गाड़ी में नहीं गए तो ड्राइंग रूम से कह देंगे खुदा हाफिज। अजय एक बात बताइए, आपको ये पाकिस्तान के जो जितने बड़े बड़े अदाकार हैं, इनमें दोस्ती भी आपकी रही होगी बहुत से लोगों से? मेरी तो बेग साहब से तो बहुत ही रही है। कौन बेग साहब? नज़ीर बेग, नदीम। नहीं, आपके दोस्त और भी तो हैं, वो रजाउल्ला बेग, रजाउल्ला बेग साहब जो हैं वो भी कहना मैं बड़े हमारे शुरू के बचपन के दोस्तों में से हैं। उनके घर में जब कभी आवाज़ देते थे हम रात को 11-12 बजे, तो मुंह पे हारमोनियम आता था उनके बाप का, कि ये रजाउल्ला हारमोनियम फेंक के मारते थे मुंह पे खिड़कियों से, उनके अब इतने खिलाफ थे। बहरहाल वो शौक था उस जमाने में, शौक के अब तक। ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने आपने परफॉर्मेंस की है, इन्होंने तो खैर दुनिया के ऐसे ऐसे ग्राउंड में परफॉर्म कर लिया, वसीम ने तो माशाल्लाह दुनिया ने देख लिया इसको, तो दुनिया में देख लिया। मेरा ये ख्याल है कि मैंने शायद, ये मेरे माँ बाप की दुआ है, मैंने दुनिया का हर कोना देखा है,
मेरे 25 पासपोर्ट दुनिया के भरे हुए और एक कंट्री, और अल्लाह ने आखिरी वर्ल्ड कप जब 94 का सिडनी में जीते थे, जब हमने फ्लैग को जब रेस किया था वहाँ पे लहराया था, तो मेरे तो आंसू भी थे साथ में, क्योंकि मेरा पूरी मतलब ज़िंदगी की हर चीज़ अचीव हो चुकी थी अपना, क्योंकि वो चीज़ हासिल कर ली थी वर्ल्ड टाइटल, जिसके लिए पूरी दुनिया लगी होती है कि यार वर्ल्ड कप लेके जाना है पाकिस्तान, लेके जाना है, और हम वर्ल्ड कप लेके आए थे, लेके आए 94 का सिडनी वर्ल्ड कप लेके आए, तो इतना बड़ा ऑनर पाकिस्तान ने हमें दिया कि पूरी कौम ने आपको बहुत सराहा किया, और वो मेरी यादों के साथ बन गई है उमर भाई, क्योंकि इसमें मैं ही नहीं, मेरे माँ बाप भी शामिल हैं, इसमें मेरे माँ बाप के अलावा पूरी कंट्री शामिल है। हम खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, हम परफॉर्मेंस करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम अपने मुल्क के लिए जब करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है। हमारी कौम बेशक हमें सराहती है, लेकिन हमें हकूमती सतह के ऊपर उन फनकारों को ज़रूर पजीराई मिलनी चाहिए, उनका हक भी है, वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन वो उस मुल्क के उन चीज़ों से महरूम रहते हैं, उन फैसिलिटीज से जो उनको मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर मज़ीद बात करेंगे और इस पर गर्मा गर्म बहस करेंगे और पूछेंगे फिरोज भाई से कि कौन कौन वो फनकार हैं जो इनके सामने आए और आज इनके सामने आ करके अपनी शान दिखाते हैं। लेकिन हम भी आपको बार बार ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ब्रेक हम लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू आपसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक खौतन हज़रात, हम आ गए वापस और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम फिरोज़ और उनके वालिद फिरोज़ अख्तर साहब। फिरोज़ अख्तर, आप एक बड़े ही मुस्तनद, बड़े अथेंटिक सिंगर हैं, और आपका अबूर यह है कि आपको हर किस्म की गायकी पर अल्हम्दुलिल्लाह अबूर हासिल, इसमें कोई शक, आप गज़लें भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, राग, अच्छा राग कितने आप गा लेते हैं, कौन कौन से राग? तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कोई 125 तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मुस्तनद हैं, शुद्ध राग। एक राग याद करना ही बहुत मुश्किल है, उसकी वादी संवादी आरोही अमरोही उसकी होती है, तो वो परफेक्ट अगर हो तो राग की शक्ल अलग अलग नजर आती है। आप एक ऐसे आदमी के दोस्त हैं जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर रहा है, सुहेल राणा साहब। जी जी जी, सुहेल राणा साहब ने कौमी नगमात बहुत अच्छे बनाए, फिल्मों की म्यूज़िक बड़ी शानदार दी, वहीद मुराद का जितना रोमांटिक दौर है वो सारा गुजरा। आप इतने करीब रहे, मैं उस दिन उनके घर में आपने उनका खाना किया था, आपने मुझे भी मधु किया था जी। उसमें मैंने देखा कि आपकी उनकी बेतकल्लुफी और ये और फैमिली टर्म जी, क्या वजह है कि सुहेल राणा साहब ने आपको किसी फिल्म में गीत नहीं गवाया? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और मैं फैक्ट का कायल हूँ, मैं मीडिया का नकल या जो होते हैं ना कलई सोने, अगर आप तो लोहे पे सोना चढ़ा दें तो सोना बन जाएगा, तो वो सोने पे यानी लोहे पे सोना चढ़ाने वाली बात है। चार छः स्पेनिश गाने जो हैं जो किसी को मालूम ही नहीं है, वो जनाब कन्वर्ट करके कर दिए, या जैसे सुनी धरती अल्लाह रखे अल्लाह माफी दे, वो गाना मदर इंडिया का गाना है, नगरे नगरे द्वारे द्वारे सुनी धरती अल्लाह। भाई मैं ऐसा कायल नहीं हूँ भाई, मैं फैक्ट। यार ये क्या बात है, हमारे कौमी नगमे के पीछे से भी इंडिया निकल गया है। तो फिर तो भाई वो इसलिए निकल आया ना कि ये भाई एडॉप्टेशन जो है ना मुझे पसंद नहीं है, मैं तो असल सच बोलो सच का कायल हूँ। नहीं, सुहेल राणा साहब ने आपको गाना फिल्म में नहीं गवाया, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि भाई वो मुझे एडॉप्टेशन में लाते थे, उन्होंने मुझे वो तर्ज में तो उनको फौरन बताता था, जैसे मिसाल के तौर पर बदमी साहब ने वो गाना बनाया रंजिश सही, हाँ लिए रंजिश सही हो जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई हो जाने वाले, वही है। तो अब ये क्या, अगर वो वाली बात है कि ये सब वही एडॉप्टेशन है, जैसे जाने वो कैसे होठों से छू लो तुम, एक ही मौसीकी वाला आदमी जो मौसीकी का समझदार आदमी होगा और जो मौसीकी में कदम दूसरा रखेगा, और वो जनाब चाहेगा कि नहीं भाई इससे बचो, इसलिए तो इसीलिए सुहेल राणा आपको नहीं गवाया। नहीं नहीं, मैंने उनको कई दफ़ा ऐसा कहा कि उन्होंने कहा मुझसे, मैंने कहा यार बात ये कि मेरा आपका मिजाज नहीं मिलता,
कहने लगे यार तुम तो बहुत क्लासिक में हो, बड़े उसके अंदर हो, ये तो रिक्वायरमेंट। मैंने कहा रिक्वायरमेंट कैसे नहीं है भाई, आप मुझे बताओ एक नई चीज़ अगर किसी को अगर आप देते हैं और एडाप्टेशन देते हैं तो वो तो फ़र्क पड़ता है। स्पेनिश गाने जो है ना वो बहुत मिलते जुलते हैं, क्या नाम है, पाकिस्तानी म्यूजिक। वो क्या कि वो रिकॉर्ड सुने, आपने तो कभी स्पेनिश किसी ने सुने नहीं, उसको कन्वर्ट कर दिया जनाब, लोगों को पता ही नहीं कि आज जाने की जिद ना करो। अरे भाई स्पेनिश गाना है, आज जाने की जिद ना करो। मा तरा गो मा पा मा बरा आज जाने ये अब बोलिए यार क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताएं, इतना गाया इतना हिंदुस्तान में फिरे, सच्ची बात या सच्ची बात हो रही है, अभी आपने कहा मैं सच बोलूंगा, कोई ऐसा ही भी रही जिंदगी में जिन्होंने हिंदुस्तान में गौर से देखा आपको? गौर से देखना समझते ना, आशा भोसले ने गौर से देखा। अरे ऐसा के खा जाएगी। मैंने कहा भाई मुझ में क्या रखा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ तुमसे। कहने लगी आप पाकिस्तान से आए हैं, आपको गाने का बड़ा शौक है, आप मेरे हर रिकॉर्डिंग में मौजूद होते हैं। मैंने कहा मैं तो हर एक की रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, इसलिए कि कुछ दिन के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर हूँ, तो जाहिर है कि मुझे शौक है म्यूजिक का। अगर आशा के साथ वो उस वक्त मसला सेट हो जाता। यार तुम मुझे हिंदू करने की कोशिश कर रहे हो यार, वो भी तो मुसलमान हो सकती थी। नहीं भाई वो बड़े कट्टर हिंदू यार, यही तो हमको तोड़ना था। आपका बेटा वर्ल्ड कप जीत के लाया, आप आशा ही जीत के लिया। लेकिन उमर भाई उसमें आपका जमहूरियत अगर होती तो शायद ऐसा हो सकता था। वसीम ये बताइए आपसे एक बात कि ये जो आपका खेल खेलने का दौर था, जाहिर है आप बच्चे थे, सब कुछ था, अब्बू की क्या सपोर्ट रही आपको हॉकी में? हॉकी में तो हमेशा से ये था कि फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट रही थी, थोड़ा सा इनकी तरफ से सख्तियाँ थी, और ऐसी बात है कि भाई पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो, खेल की तरफ ज़रा कम रखो। इनको ये तो नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार बन जाऊंगा या पाकिस्तान से 12 साल खेल जाऊंगा। सामान वामान हॉकी का लेके देते थे खेलने के लिए, किट विट? कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि हॉकी इन्होंने दिलाई वो टूट गई हॉकी, क्योंकि उस ज़माने में हॉकी एक ऐसी बात है, एक अफोर्ड करने वाला इंसान ही अफोर्ड कर सकता था। उस वक्त भी महंगी थी हॉकी, 150-200 रुपये की हॉकी कराची की ग्रेस की आती थी, वो टूट गई थी एक्चुअली। तो बड़ी इन्होंने कहा मैंने दूसरी दिलानी नहीं है, तो उसे बकायदा उसमें ये मैं अपने यंगस्टर को भी बताना चाहता हूँ जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं कि देखें शौक का आलम ये था कि उस हॉकियों पे कीले लगा के जोड़ के उस पर टेपिंग रैपिंग टेप की रैपिंग करके और मैं फिर जो है अपना क्लब से हॉकी खेला था अपना। तो ये जो सुपरस्टार जो बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ कुछ खोके कुछ पाना पड़ता है अपना। कायदे आजम खंबे की लाइट के नीचे पड़ते रहे, बहुत बड़ी बात। क्या दूर अंदेश शख्सियत थे, उनको मालूम था कि एक बिजली का बहुत बड़ा सेटबैक होगा हमें और लाइट नहीं होगी, तो वो जाते जाते बच्चों को ये सबक देगा कि बेटा खंबे की लाइट आ रही है उसके नीचे भी पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। लेकिन शायद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये नहीं मालूम था कि खंबे में भी लाइट नहीं आएगी। मेरे कायदे आजम आपकी गुड लक थी, आप खुशकिस्मत थे कि खंबे की लाइट आपको मिल गई, ये नौजवान नस्ल कैसे पढ़ेगी कायदे आजम, इसको तो खंबे में भी लाइट नहीं मिल रही है। हजरत आपने देखा कि सच्चाई क्या चीज होती है, सच्चाई ये है कि दो शख्सियत सामने बैठी है, सच्चाई है कि वो बगैर किसी सपोर्ट के पाकिस्तान की टीम में खेले, चैंपियन बने, वर्ल्ड कप जीत के आए उस टीम के साथ। आज हमें चाहिए कि हम वसीम फिरोज के उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं, हम मंजूर जूनियर से फ़ायदा उठाएं, हम हनीफ खान से फ़ायदा उठाएं। हम क्या करते हैं कि जब हमारे किसी आदमी को काम आ जाता है तो हम उसको काम देना छोड़ देते हैं और एक नए आदमी को काम सिखाना शुरू कर देते हैं। सिखाएं नए को, लेकिन पुराने से सिखवाएं और अपने से सिखवाएं। हम बाहर का आदमी लाते हैं, उसे डॉलर में पेमेंट करते हैं, अपनी करेंसी को खुद अपनी ही नज़रों में गिरा देते हैं। आज हमारे पास एक लम्हा फिक्रिया है कि यार हमारे पास क्यों नहीं अच्छे प्लेयर आ रहे, क्योंकि हम प्लेयर बना नहीं रहे। आज हमारे पास शाहिद आफरीदी है, लेकिन हम दूसरा शाहिद आफरीदी तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि इस शाहिद आफरीदी ने भी आखिरकार एक एज पे इंशाल्लाह पहुंचना है,
अपनी सक्सेस खेलनी है उसने, लेकिन एज फैक्टर्स होते हैं। हम वसीम अकरम नहीं बना सके उसके ज़माने में, हम इसलाहुद्दीन नहीं बना सके, हम समीउल्ला नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं हमारे पास हनीफ मोहम्मद, क्यों नहीं हमारे पास हसन सरदार? इसलिए कि हमने बनाए नहीं, तैयारी नहीं करी। हमारे पास वसीम फिरोज़ है, फिरोज़ अख्तर बैठे हुए हैं, इनके गले में जो राग है, इनके पास जो सुर है, और जो हमारे पास एक बेसुरों की लाट है, अगर हमारे पास कोई एकेडमी हो उसके अंदर फिरोज़ भाई जैसे लोग, एक्सपीरियंस लोग, इन लोगों को बिठा करके, इन जैसे और लोगों को जो इस वक्त बिजी नहीं है, अगर हम कोई एकेडमी दे दें, कोई जगह दे दें, तो हम अपने टैलेंट को एक सपोर्टर देंगे, उनको सीखने का मौका देंगे, और हमें मुस्तकबिल में अच्छे सीखे हुए लोग मिलेंगे। यही हमें हॉकी के साथ करना चाहिए। इस मैसेज के साथ कि वक्त वापस नहीं आता, आज भी वक्त है, हम जिस फील्ड में भी हैं हमें उस फील्ड का नेक्स्ट मैन तैयार रखना चाहिए। हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, दुनिया में कई मैचेस में जाके हमें शर्मिंदगी हासिल होती है। इन्हीं बातों के साथ, ये शिकायतें भी थी, ये बातें भी थी, ये हिदायतें भी थी, ये रास्ता भी था, इसमें दरख्वास्त भी थी, इसमें अपील भी थी, इसमें एहतजाज भी था। इन सारी बातों के साथ शरीफ शो से उमर शरीफ, फिरोज अख्तर और वसीम फिरोज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।